का उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक का एग्जाम था, तो उसमें हम हिंदी के जो क्वेश्चन है उनके आंसर क्या होने वाले हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। इतनी में आपके लिए क्वेश्चन आया था, ये सेट सी का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला था, इनमें से कर्क प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। तो यदि आप बात करें मिठास की, तो मीठा प्लस आस करके बनता है शब्द मिठास, और होना प्लस हार, हार से बनता है होनार, और धन प्लस वान से बनता है धनवान। तो इसका आंसर हो जाएगा कौरव, क्योंकि कौरव में प्रत्यय कौन सा होता है, केवल आ आता है, तो कौन सा प्रत्यय, कर्क प्रत्यय। वासुदेव शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो वासुदेव, तो इसमें एव नहीं होगा, अव भी नहीं होगा, एव भी नहीं होगा, केवल क्या होगा, आ हो जाएगा। सांप मरे और लाठी बिना टूटे, बिना हानि के कार्यपूर्ति होना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो निर निराला में भी हुआ है, निरुत्साह में भी हुआ है, और निराहार में भी हुआ है, तो निरी में नहीं हुआ है। लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, लोकतंत्र का गणतंत्र नहीं होगा, लोकतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र। इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है, तो डा और ढा ये दोनों द्विगुण व्यंजक में आते हैं। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इस वाक्य में मध्य में परिक्त विराम चिन्ह, तो इस विराम चिन्ह को बोलते हैं अर्धविराम, अर्धविराम। दुला शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, दुर्लभ हो जाएगा, दुला शब्द का तत्सम रूप दुर्लभ हो जाएगा। उच्चारण के आधार पर वा का किस प्रकार का व्यंजन है, तो दंत प्लस ओष्ठ्य है। आंखों में खून उतरना, ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, अत्यधिक क्रोध करना। सुनुक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है, तो कुत्ते का पर्यायवाची है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, तो उत्तराधिकार में मिली जायदाद के लिए एक शब्द यूज होता है रिक्त। वह जो ना करे सो थोड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त जो सो किसके लिए प्रयोग होता है, संबंध सर्वनाम। यह आपको सटीक आंसर पता है तो आप इसका कमेंट करेंगे। संन्यास शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग जो शब्द में पहले लगता है, तो सन नहीं लगाएंगे इसमें, सन के ना के आवाज़ रहते, तो क्या हो जाएगा आंसर, सम हो जाएगा। इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म का चयन कीजिए, तो कृत्रिम का प्रकृत होता है, अनद का सनग होता है, औरस का जारज नहीं होता, संधि का विग्रह भी होता है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भय दीवान लोकोक्ति का अर्थ क्या है, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार आ जाना। अमावस्या की अंधेरी रात क्या कहलाती है, कू, जिसे हम कोयल की आवाज़ ही बोलते हैं, तो काली कू, ठीक है। अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या कीजिए, तो इसमें हो जाएगा अच प्लस अंत, अच प्लस अंत हो जाएगा। राष्ट्र को हानि जे चंदों से होती है, तो जे चंदों से बहुत सारे लोग हैं, तो जातिवाचक हो जाएगा। इनमें से तद्भव शब्द है, तद्भव कौन सा है, इसमें मयंक का हमें अर्थ मिलता है, क्योंकि मयंक का जो तत्सम होता है वो मृगांक होता है, मृगांक होता है। दिवासर शब्द का तत्सम क्या होगा, तत्सम क्या होगा, दिशांतर। इनमें से किस विकल्प या शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अनुदात में भी हुआ है, अनुभव में भी हुआ है, अन्वीक्षण में भी हुआ है, अनुभव में नहीं हुआ है। यज्ञवेदी शब्द में समास कौन सा है, तो यज्ञवेदी में कौन सा है, संप्रदान समास है। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, तो यह सोदा का इसमें संधि विच्छेद गलत है। निम्न में से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मिलिंद भी है, अली भी है, और दिवरे भी है, लेकिन परावत नहीं है। तो ये थे हमारे हिंदी के सेट। आज हम शाम के टाइम अपना जो है इसमें सेट में जो GS का पोर्शन है और साइंस का पोर्शन है उन सबको कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना स्कोर जरूर कमेंट करें हिंदी का।